ठीक है, वो जेहन में रखिएगा। और अभी हम ये करते हैं जी के, अच्छा मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि डाइडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ऐसे करके आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर सी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है जी। और ये जो है ये आपका कार्बन नंबर है वन कहलाता है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है और ये फाइव है। और उसके बाद यहां पर आपने देखा होगा कि पी ओ पी और इस तरीके से ये पीओ पीओ थ्री इधर होता है, ठीक है जी। आमतौर पर जो डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेसेस होते हैं, इसमें मैं बार बार कहता हूं कि ये ए भी है, ये टी भी है, ये जी भी है, ये सी भी है, ठीक है जी। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि नहीं सॉरी यार, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है और ऐसे करके फाइव, ठीक है। ये नंबर वन है यार, ये क्या और बार बार आ रहा है सी वेटिंग रूम में से, मैं तो इसकी सेटिंग कर चुका हूं। अच्छा जी, ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव। तो आम तौर पर जो होता है उसके अंदर यहां पर OH ग्रुप लगा होता है और ये जो ग्रुप होता है यहां पर सिर्फ O होता है, यहां पर सिर्फ H होता है, तो ये जो है ना डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब ये है कि कार्बन नंबर थ्री के ऊपर यहां पर एक ऑक्सीजन नहीं है और जो डाइडीऑक्सी होता है उसके अंदर इन दोनों जगह पर भी, इन दोनों जगह पर ऑक्सीजन नहीं होती। जो नॉर्मल डीएनटीपी है डीऑक्सी का मतलब ये है ऑक्सीजन का ना होना, तो ऑक्सीजन कहाँ नहीं होती है, कार्बन नंबर थ्री के ऊपर। और याद रखिएगा कार्बन नंबर थ्री ये राइबोस शुगर के अंदर ये वाली कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप होता है। और जो कार्बन नंबर टू होती है यहां पर OH होता है। तो ये नॉर्मल डीएनटीपी है, यानी कि जिसको हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो डाइडीऑक्सी है डाइडीऑक्सी के अंदर यहां पर भी ऑक्सीजन नहीं होता है और यहां पर भी ऑक्सीजन नहीं होता है, इसका मतलब है दो ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइडीऑक्सी। कार्बन नंबर टू और कार्बन नंबर थ्री के ऊपर दोनों जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है। तो आमतौर पर आपने देखा होगा ये वो कार्बन नंबर होती है जिनकी वजह से हम डीएनए को फाइव प्राइम या थ्री प्राइम कहते हैं। तो ये वन प्राइम है, ये कार्बन नंबर टू है इसको टू प्राइम कहते हैं, ये कार्बन नंबर थ्री है थ्री प्राइम है, ये नंबर फोर है और ये नंबर फाइव है। जब नॉर्मल होती है, जब नॉर्मल पीसीआर के अंदर एम्पलीफिकेशन हो रही होती है यहां पर, तो क्या हो रहा होता है कि एक और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आकर इस थ्री प्राइम पे लग रहा होता है, ये जो थ्री प्राइम कार्बन है इसके साथ आकर एक नया न्यूक्लियोटाइड लग रहा होता है और एम्पलीफिकेशन हो रही होती है। मतलब ये थ्री प्राइम है तो फाइव प्राइम यहां पर आकर लगेगा एक और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसकी डायरेक्शन फर्ज किया
फाइव प्राइम एंड जो है वो थ्री प्राइम, ये थ्री प्राइम है और ये दूसरे का फाइव प्राइम है, फर्ज किया वो डीएनए समझ लें ऐसे करके है न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ नाइट्रोजन बेस होगी और इसी तरीके से इसके साथ पीओ फोर होगा, तो अगला न्यूक्लियोटाइड इसके साथ ऐसे लगेगा, इसका जो फिर थ्री प्राइम एंड है इसके साथ फिर अगला न्यूक्लियोटाइड लगेगा।